चलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वास्थ्य मस्त होंगे। तो जैसा कि हमने बताया था कि ये कैप्टन वाइस कैप्टन चलेंगे कोलकाता के एच क्लासेन और एंड्रे रशेल जैसा, आपको यहाँ पे टीम मिल गया होगा 5 से 6 टीमों का कैप्टन वाइस कैप्टन। तो आपने अगर नहीं देखा है तो वीडियोज़ अभी भी हमारे यूट्यूब पर अवेलेबल है, जाके देखिए। और आज हम बात करने वाले हैं इन दोनों के बीच जो मैच होने जा रही है यहाँ पे, गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के बीच, उसके बारे में। ठीक है, ये मैच कहाँ पे होगी, पिच रिपोर्ट कैसा होने वाला है, वेदर रिपोर्ट कैसा होने वाला है, एवरेज स्कोर क्या जाने वाला है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि फाइनल प्रिडिक्शन जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है, जो कि हमने अपने टेलीग्राम पे हमेशा मैं बताते रहता हूँ। और हमारे टेलीग्राम चैनल पे सभी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री में मिलती है, फैंटेसी रिलेटेड अपडेट्स हो या फिर आपको टीम देना हो, लाइनअप के टाइम में फाइनल टीम आपको देना हो, ठीक है, तो सब चीज़ आपको बिल्कुल फ्री में मिलती है हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो जाइए, जाके जल्दी से ज्वाइन करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ये मैच कहाँ पे होने जा रही है। उससे पहले बात करते हैं कि ये जो है 5th मैच होने जा रही है, 24th मार्च 7:30 PM में ये मैच होगी। ठीक है, मुंबई इंडियंस वर्सेस गुजरात टाइटंस के बीच में। दोनों ही कप्तान एकदम नए हैं, मुंबई इंडियंस के हार्दिक पांड्या और शुभमन गिल जो है गुजरात टाइटंस के न्यू कैप्टन हैं। ठीक है, अब बात करते हैं वेदर रिपोर्ट की, वेन्यू स्टेट्स की। तो ये मैच जो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जाने वाला है, अहमदाबाद में। ठीक है, और वहाँ की पिच रिपोर्ट की बात करें तो पिच रिपोर्ट यहाँ पे बैटिंग को सपोर्ट करता है और फ्लैट पिच है। ठीक है, और यहाँ पे जो बॉलिंग है ना, बॉलिंग पेसर्स बॉलर को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, तो यहाँ पे आप पेसर्स बॉलर को सिलेक्ट करके चलेंगे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे विकेट मिल सके। ठीक है, यहाँ पे स्पिनर्स बॉलर को ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है और बैटिंग को काफ़ी सपोर्ट मिलता है, और यहाँ पे एक बड़ा जो है रन बन सकता है। ठीक है, देखने को आज मिल सकता है। तो चलिए वेदर रिपोर्ट की बात करें, ओवरकास्ट रहने वाली है वेदर, और विंड स्पीड जो है 1.7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवा चलेगी। ठीक है, जैसे आगे बढ़ते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में मैच होने जा रही है। हाईएस्ट टोटल की बात करें तो हाईएस्ट टोटल यहाँ पे 234 रन, आप देख सकते हैं कितनी बड़ी स्कोर यहाँ पे बनती है। ठीक है, 234 रन जो है हाईएस्ट है इस पिच का। और हाईएस्ट चेंज स्कोर की बात करें तो चेंजिंग स्कोर यहाँ पे हाईएस्ट जो है 166 है, और यहाँ पे एवरेज स्कोर की बात करें जो कि यहाँ पे बन सकते हैं, एक मैक्सिमम और मिनिमम लेके चलेंगे हम, तो वो जो है 178+ रन बन सकते हैं आराम से इस पिच पे। बैटर को काफ़ी सपोर्ट करता है ये पिच। ठीक है, और यहाँ पे H2H यानी कि हेड टू हेड मैचेस की बात करें तो 4 मैचेस प्ले हुए हैं, जिसमें से दोनों ने दो दो मैचेस विन करे हैं, मुंबई और गुजरात टाइटंस ने। ठीक है, और यहाँ पे बात करें पिछले 5 मैचेस की रेशियो देखें दोनों के बीच, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गुजरात ने 3 मैचेस विन करे हैं, मुंबई ने भी 3 मैचेस विन करे हैं 5 में से। ठीक है, दोनों ने बराबर की विन करके रखे हुए। अब ये मैच कौन विन करने वाला है वो मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम पे आप बने रहिए, उसके लिए आप हमारे लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम को, और फाइनल टीम आपको वहीं पे मिल जाती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के प्रोबेबल प्लेइंग 11 जो कि आज खेले जाने वाले हैं या फिर खेले जा सकते हैं, उसके बारे में देख लेते हैं कौन कौन से प्रोबेबल प्लेयर खेले जाने वाले। सबसे पहले बात करते हैं गुजरात टाइटन्स की। ठीक है, तो यहाँ पे वृद्धिमान शाह, शुभमन गिल, साई सुदर्शन, केन विलियमसन, और यहाँ पे विजय शंकर, डेविड मिलर, राहुल तेवतिया, राशिद खान, या फिर राशिद खान के जगह पे आपको बीआर सार्थ देखने को मिल सकता है। ठीक है, और यहाँ पे मोहित शर्मा, एस जोनासन, और यहाँ पे उमेश यादव। ठीक है, तो इतने सारे प्लेयर आपको गुजरात टाइटंस से खेलते हुए नजर आ सकते हैं। अब बात करते हैं मुंबई इंडियंस की, तो यहाँ पे ईशान किशन, रोहित शर्मा, नेहाल वाडेरा, हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा, टिम डेविड, और यहाँ पे रोमेरियो शेफर्ड, पीयूष चावला, श्रेष्ठ गोपाल, और यहाँ पे जसप्रीत बुमराह और आकाश माधवाल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता ही है ये जो है जसप्रीत बुमराह कितने अच्छे बॉलिंग करते हैं, पेसर्स बॉलर का यहाँ पे चलने वाला है, बोल वाला है, रहने वाला है, तो ये आपको अच्छे खासे विकेट निकाल के देने वाले हैं। अब इनमें से जो बेस्ट खेलेंगे हमारे लिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे मुंबई इंडियंस की, जो कि हमारे लिए बेस्ट खेल के दे सकते हैं। ठीक है, तो उसमें से हो सकते हैं आपके लिए सबसे बेस्ट ईशान किशन। ईशान किशन को आपने देखा होगा जो कि बाहर जाके मैच खेल रहे थे, उसमें इन्होंने अपना जो है लोहा मनवाया है, काफ़ी अच्छा खेले हैं। ठीक है, तो इनको जो है आप अपनी टीम में जरूर से जरूर रख लीजिएगा। रोहित शर्मा को आप अपनी टीम में रख सकते हैं या फिर ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। यहाँ पे हार्दिक पांड्या को आप अपनी टीम में जरूर से जरूर सेलेक्ट कर लेंगे, बॉलिंग और बैटिंग दोनों से आपको यहाँ पे ये पॉइंट देने वाले हैं। ठीक है, और तिलक वर्मा
टिम डेविट, ये जो प्लेयर हैं आपको काफी अच्छे खेल के दे सकते हैं, ठीक है। निहाल वाधिरा को आप चाहें तो एक टीम में सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर आप 5 से 6 टीम बना रहे हैं तो आप एक टीम में निहाल वाधिरा को सिलेक्ट कर सकते हैं किसी एक को ड्रॉप करके, ठीक है। और यहाँ पे रोमेरियो शेफर्ट को आप दूसरे टीम में सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे पीयूष चावला को आप अपने टीम में जरूर से जरूर रख लें, 1 से 2 विकेट निकाल के पीयूष चावला आपको दे सकते हैं, और जसप्रीत बुमराह, ठीक है। तो ये जो है आपके लिए बेस्ट हो सकते हैं, इनको आप अपने टीम में जरूर से जरूर सेलेक्ट कर लेंगे। अब बात करते हैं गुजरात टाइटन से, तो गुजरात टाइटन से आप यहाँ पे रख सकते हैं विद्यमान शाह आपको अच्छे बैटिंग भी करके दे सकते हैं और विकेट कीपर तो है ही, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिला होगा शुभमन गिल, तो शुभमन गिल को आप अपने टीम में सेलेक्ट कर लेंगे। शुभमन गिल जो है अकेले विन करा सकते हैं गुजरात टाइटन्स को, ठीक है। और एक कैप्टन भी है, तो कैप्टन पारी खेलेंगे ही आज, ठीक है। तो इनको आप अपने टीम में जरूर से जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। साई सुदर्शन बहुत ही अच्छे प्लेयर है, तो साई सुदर्शन को आप अपने टीम में जरूर से जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, काफी अच्छे प्लेयर है, ठीक है। अगर आप 5 से 6 टीम बना रहे हो तो सभी टीमों में आप इनको सेलेक्ट कर डालिए, काफी अच्छे खेल के आपको आज देने वाले हैं। केन विलियमसन जो कि आपको अच्छे खेल के देने वाला है, विलियमसन हो सकता है फ्लॉप भी जा सकता है, लेकिन इसको आप अपने टीम में रख के चलेंगे किसी एक टीम में तो आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है। विजय शंकर को चाहे तो आप ड्रॉप करके चल सकते हैं, इसके जगह पे आप डेविड मिलर को सेलेक्ट कर सकते हैं। डेविड मिलर आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ही यहाँ पे पॉइंट दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बात करते हैं राहुल तिवतिया को, राहुल तिवतिया आपके लिए बेस्ट खेल के दे सकता है, तो 5 से 6 टीम अगर आप बना रहे हैं तो एक टीम में आप इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। राशिद खान तो आपको विकेट लेके देगा ही देगा, तो इसको आप अपने टीम में जरूर से जरूर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, राशिद खान को। और मोहित शर्मा ये आपके लिए बेस्ट होने वाला है, और यहाँ पे स्पेंसर जॉनसन और उमेश यादव को आप चाहें तो सिलेक्ट कर सकते हैं, वरना आप ड्रॉप करके चल सकते हैं। ये आपके लिए बेस्ट प्लेयर हैं जो कि आपको अच्छे से खेल के दे सकते हैं और अच्छा जो है पॉइंट दे सकते हैं और आपको GL विन करा सकते हैं, #rank1 में ला सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से प्लेयर हो जाते हैं। और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा ग्रैंड लीग, स्मॉल लीग और मिनी GL, ये सारी टीमें, तो इसमें हमने किसे सिलेक्ट करा है तो वो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ईशान किशन, रोहित शर्मा, विलियमसन, गिल और यहाँ पे एस सुदर्शन को हमने सिलेक्ट करा है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ बैटर और एक विकेट कीपर हो जाते हैं। ऑलराउंडर में हार्दिक पांड्या, उमर जाई और यहाँ पे शेफर्ट को हमने सेलेक्ट करा है, और यहाँ पे जसप्रीत बुमराह, राशिद खान और यहाँ पे जी कॉटजे को आप अपने टीम में जरूर से जरूर रख लीजिएगा, ये आपको विकेट निकाल के दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप स्मॉल लीग बना रहे हैं तो स्मॉल लीग में आप जी कॉटजे को जरूर से जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ये आपके लिए बेस्ट हो सकता है, ठीक है। और आप देख सकते हैं इस तरह से हमने पूरा का पूरा स्मॉल लीग बनाया हुआ है, आप इस तरह से आप टीम बना सकते हैं। अब बात करते हैं ग्रैंड लीग की, तो ग्रैंड लीग में हमने 2 विकेटकीपर सेलेक्ट करे हैं, विद्यमान शाह और ईशान किशन। और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा बैटर में आर शर्मा, रोहित शर्मा और यहाँ पे सूर्य कुमार यादव, के विलियमसन, शुभमन गिल और साई सुदर्शन, ये जो प्लेयर हैं 5 प्लेयर हमने यहाँ पे सेलेक्ट करे हैं बैटर में, जो कि हमें यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है रन बना के दे सकते हैं, क्योंकि पिच जो है बैटिंग पिच है, तो ग्रैंड लीग में हम ज़्यादा से ज़्यादा बैटिंग से चूज़ करके चलेंगे, ज़्यादा बैटर चूज़ करेंगे ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट जो है बैटिंग से मिल सके, ठीक है। अब यहाँ पे उमर जाई और सैफर्ट को हमने सेलेक्ट करा है ऑलराउंडर में, उमर जाई जो है आपको बॉलिंग से काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे पॉइंट दे सकते हैं, ठीक है। जसप्रीत बुमराह और राशिद खान को हमने बॉलर में सेलेक्ट करा है, तो ये हमारा ग्रैंड लीग का टीम हो जाता है। अब बात करते हैं मिनी GL की, तो मिनी GL में हमने सेलेक्ट करा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ईशान किशन और यहाँ पे डेविड मिलर और यहाँ पे सुमन गिल, साई सुदर्शन, तो ये जो 3 बैटर हमने सेलेक्ट करा है तीनों के तीनों GT से हैं, ठीक है। और यहाँ पे हार्दिक पांड्या, उमर जाई और सैफर्ट को हमने सेलेक्ट करा है ऑलराउंडर में, ठीक है। और यहाँ पे पीयूष चावला, जसप्रीत बुमराह, राशिद खान और जी कॉटजे को हमने बॉलर में सेलेक्ट करा है, तो बॉलर की संख्या यहाँ पे हमने बढ़ा दी है क्योंकि ये हमारा जो है टीम जो है मिनी GL का है इसलिए, ठीक है। अब बात करते हैं 5 से 6 टीमों का कैप्टन वाइस कैप्टन, तो 5 से 6 टीमों का कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने से पहले आपको बता दें कि यहाँ पे आपको एक टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन मिल गया होगा मिनी GL का, जो कि पांड्या और राशिद खान है, ठीक है। और सेकेंड टीम का आपको यहाँ पे मिल गया होगा जसप्रीत बुमराह और यहाँ पे ईशान किशन, ठीक है, जो कि ग्रैंड लीग का टीम हमने बना के रखा हुआ है। और फाइनल टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा ग्रैंड लीग का, 3 से 4 टीम, ठीक है, और एक टीम आपको SL का मिल जाएगा स्मॉल लीग का। और स्मॉल लीग में हमने कैप्टन बनाया साई सुदर्शन और उमर जाई, ठीक है। तो ये आपको 3 टीमों का कैप्टन वाइस कैप्टन यहाँ पे मिल गया होगा। अब बात करते हैं 5 से 6 टीम अगर कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना चाहे तो किसको बना सकते हैं, शुभमन गिल, साई सुदर्शन, ठीक है, ये आपकी 4th टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन हो जाता है। अब यहाँ पे विलियमसन और साई सुदर्शन को बना सकते हैं, ये आपके 5th टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन तैयार हो जाता है।
विद्वान साहब ईशान किशन को बना सकते हैं, ये आपकी सिक्स टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे उमर जाई और शाही सुदर्शन के साथ जा सकते हैं या फिर शर्मा के साथ जा सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हो जाता है, आप चाहें तो इसे पॉज करके देख सकते हैं। सो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।